युवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी तथा कलेक्टर मनोज पुष्प ने सिरमौर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया। कमिश्नर ने ग्राम मजगवा में माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल का निरीक्षण किया। हाई स्कूल की प्रथम पाली में 5 शिक्षक बिना अवकाश आवेदन के अनुपस्थित पाए गए। कमिश्नर ने प्राचार्य को संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कमिश्नर तथा कलेक्टर ने स्कूल में संचालित विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण कर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से पठन पाठन की जानकारी ली। उन्होंने माध्यमिक स्कूल तथा प्राथमिक स्कूल में मध्यान्ह भोजन वितरण की जानकारी ली। कलेक्टर ने मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्व सहायता समूह की महिलाओं से खाद्यान्न के आवंटन की जानकारी ली। कमिश्नर ने कहा कि बच्चों को निर्धारित मेनू के अनुसार मध्यान्ह भोजन वितरित करें, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। शिक्षक भी मध्यान्ह भोजन चक कर प्रतिदिन इसकी गुणवत्ता की निगरानी करें। कमिश्नर ने विद्यालय परिसर की साफ सफाई तथा पेयजल व्यवस्था के संबंध में प्राचार्य को निर्देश दिए। इसके बाद कमिश्नर श्री सुचारी तथा कलेक्टर श्री पुष्प ने ग्राम दुग्गवा की आदिवासी बस्ती का भ्रमण किया। उन्होंने आमजनों से खाद्यान्न वितरण, पेयजल व्यवस्था, पेंशन वितरण तथा बिजली की आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने ग्राम झिरिया तथा पलहान का भी भ्रमण किया। भ्रमण के समय SDM सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री, तहसीलदार जितेन तिवारी तथा अन्य अधिकारी उनके साथ रहे। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।